मैं हूँ नेहा बजाज और आप मुझे देख रहे हैं जूम पर। और फिलहाल मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स में मैं हूँ और मेरे साथ है मिस आसावरी जोशी जी, जिनको हमने ऑफिस में भी देखा है, कई सारे मराठी वेंचर्स में भी काम कर चुकी हैं। वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। सो कैसा लग रहा है आपको इस मंच पर आकर? एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। एक्चुअली फिल्म फेयर अवार्ड्स ये नाम में ही एक्साइटमेंट है एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू सी द इवेंट। या बिकॉज वी रियली डोंट नो वॉट इज गोइंग टू बी इनसाइड। एंड यू नो द फिल्म फेयर अवार्ड्स हिंदी का जो ग्लैमर है वो उसके नाम से ही जुड़ा है, जो वी आर रियली इंटरेस्टेड टू सी इन मराठी। So, ग्लैमर हमें दिख भी रहा है। यू आर ऑल्सो लुकिंग गॉर्जियस इन योर मस्टर्ड अटायर। अच्छा, आपने हिंदी में भी काम किया है, मराठी में भी काम किया है, सो व्हाट सेट्स मराठी सिनेमा अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर रीजनल सिनेमाज? एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक्स यू कैन से द इससे थोड़ा सा सक्सेस मराठी सिनेमा को मिल रहा है, बिकॉज जे काही दुसऱ्या रिजनल लँग्वेजमध्ये असतात ना मूवीज, ते पण छान असतात, पण त्यांचे टॉपिक्स आणि मराठी सिनेमाचे टॉपिक्स खूप वेगळे वेगळे, आता खूप वेगळ्या विषयावरती मराठी चित्रपट यायला लागलेत। देर आर मेनी डिफरंट टॉपिक्स इन मराठी फॉर द फिल्म। और ऐसा कोई टॉपिक है या ऐसा कोई फिल्म टाइप है जो अब तक मराठी में अनएक्सप्लोर्ड है, जो आप चाहेंगी कि मराठी प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स उसे भी एक्सप्लोर करें? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है, बट नाउअडेज जो अलग अलग टाइप्स के जो फिल्म्स आ रहे हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली ऑफ बिट। और ऐसा है ना कि मराठी का एक कल्चर है, वो छोड़ के हम अलग टॉपिक के लिए एकदम नहीं जा सकते। सो एवरीबडी इज़ थिंकिंग लाइक दैट ऑल्सो, मे बी द रीज़न कि एकदम हटके नहीं आ रहा है। हाँ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मराठी कल्चर पकड़ के जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वही मराठी सिनेमा का एसेंस भी है। अच्छा, कोई एक ऐसी मराठी फिल्म जो आपको बड़ी पसंद है और आप उसे उसका हिंदी रीमेक का अगर आपको मौका मिलेगा तो वो कौन सी होगी? उम्बर था स्मिता पाटिल की जो थी, जिसकी हिंदी में बनी थी सुबह, अभी अगर वापस वो बनाएंगे तो मैं वो रोल करना चाहूँगी। दैट्स माय एम्बिशन। दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हाई, आई एम नेहा बजाज, यू आर वॉचिंग मी ऑन जूम एंड टुनाइट आई एम एट द रेड कार्पेट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स मराठी 2024 और मेरे साथ हैं मिस किशोरी शाहने, जिनको हमने मराठी फिल्म्स में भी देखा है, हिंदी सीरियल्स में भी देखा है। सो वेलकम। Thank you so much and I'm so honored to speak for Zoom. Zoom is my one of the best favorite channels. क्या बात है, we are glad. अच्छा, ये बताइए कि किशोरी जी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम किया है, फिल्म फेयर जैसा अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए? फिल्म फेयर तो पायोनियर है अवार्ड्स के लिए, एंड आफ्टर द नेशनल अवार्ड्स एंड द स्टेट अवार्ड आई थिंक एवरीवन लुक्स अप टू फिल्म फेयर अवार्ड। अपने घर में भी एक अवार्ड होना चाहिए फिल्म फेयर की, ब्लैक ब्यूटी होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि सबको लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्लैमर होता है, बहुत ग्लॉस होता है, एंटरटेनिंग होता है, एंड एवरीबडी रियली लुक्स अप टू फिल्म फेयर। ओके, एंड अच्छा, आपने हिंदी में भी काम किया है, आपने मराठी में भी काम किया है, क्या डिफरेंस है दोनों में? हिंदी में ऑफ़ कोर्स विजिबिलिटी इज़ मच मोर एंड यू रीच आउट टू इंटरनेशनल लेवल्स, एंड मराठी में इट्स लाइक इन योर हार्ट, यू आर रीचिंग द हार्ट ऑफ योर ओन पीपल, होम ग्राउंड, एंड मराठी पीपल रियली लव यू व्हेन यू आर एक्टिंग इन मराठी फिल्म्स और मराठी सीरियल्स, एंड दे कीप आस्किंग व्हेन दे सी मी इन हिंदी वर्क और सम हॉलीवुड वर्क, दे कीप आस्किंग मी व्हेन आर यू गोइंग टू डू सम मराठी। आई सेड हिंदी कर रही हूँ, हॉलीवुड कर रही हूँ, मराठी? आई सेड हाँ, मराठी में कब करेंगे? सो दैट इज़ दैट यू नो अपनापन दैट आई गेट फ्रॉम मराठी पीपल, एंड डेफिनेटली व्हेन एवर आई हैव सम चांस ऑफ सम फ्री डेट्स एंड इफ मराठी प्रोजेक्ट कम्स अप, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। ऑल राइट, सो अपने होम ग्राउंड को आप हमेशा प्रेफर करती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे हमने धड़क मूवी आई तो पता लगा कि अरे तो मराठी में बनी थी, अब मराठी फिल्मों के भी हिंदी रीमेक्स बनने लगे, बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कुछ ऐसी मराठी फिल्म्स हैं जिनका हिंदी रीमेक बनना चाहिए, क्योंकि वो स्टोरीज डिजर्व करती हैं पैन इंडिया विजिबिलिटी? नो डेफिनेटली, आई थिंक जो भी अभी के सुपर हिट सिनेमा चल रहा है मराठी में, बहुत अच्छे कुछ फिल्म्स आई हैं रिसेंटली, तो उस पर हिंदी तो बनेगी ही मुझे लगता है, बिकॉज अभी जैसे ये अपने फॉरेंची सून या उसका हिंदी रीमेक बना मिमी, सो ऐसे टाइप के बहुत अच्छा कंटेंट है मराठी फिल्म्स में। सो यस, हिंदी पीपल आर एक्चुअली लुकिंग अप टू दैट, क्योंकि हिंदी लोग मुझे भी पूछते हैं कि कोई मराठी फिल्म हो तो बताओ, उसके ऊपर हम हिंदी बनाएं। सो मेरी एक फिल्म है एक्चुअली जीवन संध्या मराठी में, जिसमें अशोक सराफ और मैंने जीवन संध्या का कैरेक्टर निभाया है, जो अभी अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीमिंग पे है, एंड एक्चुअली हिंदी पीपल हैड अप्रोच्ड मी बिकॉज दे न्यू माई फेस,
कि हमें हिंदी में बनानी है अमिताभ बच्चन और रेखा को लेके. सो एनी वेज दोज टॉक्स आर येट ऑन और फिजल्ड आउट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई जस्ट कनेक्टेड देम टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द मूवी. सो येस आई मीन दैट माई फिल्म रिक्वायर्स अ हिंदी रीमेक. क्या बात है, बड़े अच्छे से आपने हमें डिटेल दी. सो नाउ कमिंग बैक टू द अवार्ड्स, आई लव योर आउटफिट, आई लव योर पोटली पाउच एंड इयर रिंग्स. कितना समय लगा आज आपको रेडी होने में? वन एंड हाफ आवर लगा रेडी होने में. येस बिकॉज द मेकअप एंड हेयर टुक अ वाइल. वो किसी और के हवाले होती हूँ ना मैं मेकअप और हेयर के लिए, और कॉस्ट्यूम तो क्विकली 2 मिनट्स में मैं पहन के निकल जाती हूँ. सो आई थिंक यार बट 1.5 आवर ऑलमोस्ट लगा तैयार होने में. अच्छा, बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो मराठी सिनेमा में अभी डेब्यू कर रहे हैं या करेंगे भी, तो आपका इतना एक्सपीरियंस रह चुका है बीइंग अ वेटरन इन द इंडस्ट्री, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें बताना चाहें कि ये मत करना इससे गड़बड़ हो जाएगी, वो क्या होंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क और सिंसियरिटी जारी रखो, बिकॉज आज की सी आवर ईरा वॉज अ वेरी वेरी लवली ईरा. देर आर फ्यू फिल्म्स मेड, फ्यू प्रोजेक्ट्स मेड, सो एवरीबडी वॉच्ड इट. अभी आज की तारीख में देर सो मच कॉम्पिटिशन. सो आई थिंक कीप हार्ड वर्क ऑन एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आए आप करते रहो, दिखते रहो, क्योंकि आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है. सो या सो यंगस्टर्स हैव टू कीप वर्किंग, फिर उनको अपने आप कभी ना कभी तो उनके कैलिबर का या उनके लेवल का अच्छा कैरेक्टर जरूर मिलेगा. ऑलराइट, वेरी वेल सर, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. हाय, आई एम नेहा बजाज, यू आर वाचिंग मी ऑन जूम, एंड टुनाइट आई एम एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स मराठी 2024, एंड जॉइनिंग मी इज सविनी, हु इज अ वेरी पॉपुलर मराठी सिंगर. हाय सविनी, वेलकम. थैंक यू सो मच. ओके, सो कैसा लग रहा है आपको आज रेड कार्पेट पे आके? Amazing. It's a dream moment for me because I have manifested this moment all my life. Okay. आपने बड़ा ही खूबसूरत गाउन पहना है. It has a very nice flair. Tell us something about it. Yeah, this just grabbed my attention in the store and I just purchased it like then and there. Okay. Or red is a very, you know, vibrant color and it says a lot without saying. Okay, I really like your earrings too, matching. थैंक यू, एंड वी आर ट्विनिंग, सो यस वी आर ट्विनिंग टुडे. मुझे भी ऐसा ही लगता है रेड के बारे में. सो सविनी, ये बताइए कि अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं, स्पेशली मराठी फिल्म फेयर. आज आप भी आई हैं और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि वो रीजनल का टैग हटते हटते हर सिनेमा पैन इंडिया होता जा रहा है. आपका क्या कहना है? इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट बिकॉज सी अवार्ड्स आर वेरी एनकरेजिंग. बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अवार्ड्स क्योंकि दे गिव यू मोटिवेशन, they give you something to look up to in your career, and this year Filmfare Awards has brought me a lot of positivity because this is my first nomination ever, first Filmfare nomination ever, so it's like a blessing. Absolutely. अच्छा, आपके बहुत सारे fans हैं जो फिलहाल आप सिंगर हैं तो वो सुनना भी कुछ चाहेंगे. सो इफ यू कैन सिंग जस्ट 2 लाइन्स. द सॉन्ग विच आई एम नॉमिनेटेड फॉर इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बाईपण भारी देवा विच जस्ट रॉक द ब्लॉक लाइक चार्ट्स लास्ट ईयर. सो चल ग भाई खेळूया मंगळा गौर, खेळूया मंगळा गौर, खेळूया गौराईचा खेळ बाई आनंदात नाचू गाऊ आनंदात, खेळूया मंगळा गौर, खेळूया ग मंगळा गौर, खेळूया. वाओ, व्हाट अ लवली स्वीट नाइटिंगेल वॉइस, एंड मैं भी यही चाहूंगी कि आप जरूर जीतें अवार्ड. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.